आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राजचंद्र ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह में भारतीय सेना और अग्निपथ विषयक संगोष्ठी में राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही ने कहा, श्रेष्ठ भारतीय सेना को श्रेष्ठतम बनाने का मार्ग है अग्निपथ। लखनऊ के प्रतिष्ठान में हुई आगजनी को देखते हुए गोरखपुर की फायर विभाग की टीम बड़े प्रतिष्ठानों के अग्निशमन मानकों को कर रही है चेक, कमी पाए जाने पर कर रही है कार्यवाही। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। जनपद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों के लिए लगवाना है अनिवार्य। घर बैठे ही अपने वाहन के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए बुकिंग करने को ट्रैफिक पुलिस कर रही है लोगों को जागरूक। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। गुरुवार की देर रात्रि एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कोराबार थाने का किया निरीक्षण, चेक किया जनसुनवाई रजिस्टर, कहा थाने पर जनसुनवाई अधिकारी थाने पर रहे मौजूद, करे फरियादियों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण। रामगढ़ ताल के किनारे लगे रेलिंग के बीच में 5 जगहों पर जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा है दर्शक दीर्घा, 21 लोग एक साथ बैठकर ले सकेंगे रामगढ़ ताल की खूबसूरती का आनंद। जनपद में यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है रातों दिन अभियान। एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, 53 वाहनों का किया गया चालान, सड़क दुर्घटना में कमी लाना है मुख्य उद्देश्य। अवैध अपमिश्रित देशी शराब यूरिया व नौसादर के साथ एक महिला को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 लीटर अवैध अपमिश्रित देशी शराब, 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम नौसादर किया बरामद, भेजा जेल। यातायात पुलिस और आरटीओ की संयुक्त टीम ने स्कूली बच्चों के सुरक्षा के लिए स्कूलों के बाहर चलाया विशेष चेकिंग अभियान। एसपी ट्रैफिक ने कहा, बिना हेलमेट लगाए दो पहिया से स्कूल जाने वाले बच्चों और बिना हेलमेट के बच्चों को छोड़ने वाले तथा गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले अभिभावकों का किया गया चालान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं एवं राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज भी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित प्रभु श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिपेक्ष में तात्विक वीक्षण के तीसरे दिन कथा व्यास ने कहा, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सज्जनों की संगति में आ जाने पर बन जाता है संत, वही अगर कुसंगति मिल जाए तो बिगड़ जाता है अच्छे से अच्छा व्यक्ति। राप्ती नगर में शिक्षकों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों व नागरिकों के लिए जीडीए लेकर आ रहा है 260 फ्लैट की नई परियोजना। 15 सितंबर से बुकिंग होगा शुरू, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। भारत के श्री चंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ गामा पहलवान की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर जिला कुश्ती संघ के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित, कहा गामा पहलवान ने अल्पायु में ही गोरखपुर का नाम देश में किया था रोशन। गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत दूसरे दिन घोसी एकादश व चाउन क्लब बासगांव ने जीते अपने अपने मैच, गोरखपुर जिला फुटबॉल संघ के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी।